अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉगिंग के बारे में जो है वो ये फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे कि हमने कौन सा जो है वो अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो वेबसाइट गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो आएंगे और इधर से जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक। ये जो फीचर्ड इंसाइट्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यूज़ वगैरह या टॉपिक जो सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं उनके बारे में जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ रही है। इसी तरह अगर आप लोग नीचे आ जाते हैं तो इसमें स्टोरीज जो ट्रेंडिंग में जो है वो आ रही हैं, जिस तरह के सबसे पहले आपके पास जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में जा रही है। इसके अलावा ब्रुकलिन फायर, न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट है, ये जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेंडिंग की तरफ जो है वो जा रही है। ये टॉपिक्स थोड़े से जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तरह भारतीय जनता पार्टी के हवाले से अगर देखें तो ये भी जो है वो ट्रेंडिंग की तरफ जो है वो जा रही है, लोग इसको स्टिल सर्चिंग कर रहे हैं। इसी तरह फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बारे में ये मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं। ख़ासतौर पर जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह के बारे में जिन्होंने ब्लॉगिंग वगैरह करनी है तो वो इधर से जो है वो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ अभी जो है वो कौन सी जा रही है। तो इन्हीं के हवाले से अगर यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप काम कर रहे हैं तो कोई वीडियोस वगैरह देख के उनके अंदर जो है वो अपनी तरफ से जो है वो सेटिंग करके जो है आप अपलोड कर सकते हैं, या ब्लॉगिंग के ऊपर इन्हीं के ऊपर जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने जो है वो टॉपिक जो है वो सर्च करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे माइंड के अंदर जो है वो टॉपिक आ रहा है वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं एक्सप्लोर टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आऊँगा और इधर अपना टॉपिक जो है मैं सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज जो है वो मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सर्च करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये जो है वो मेरे लिए टॉपिक जो है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, या इसके ऊपर जो है वो मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो विंडो मेरे पास आएगी ये सबसे पहले जो है ऊपर स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, ये जो मुझे सर्चिंग करके दिखाएगा वर्ल्ड वाइड दिखाएगा। इसको मैं स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर भी जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो हम इसको जो है वो वर्ल्ड वाइड ही रहने देंगे ताकि पूरी दुनिया हमारा जो सॉरी ब्लॉग होगा वो वर्ल्ड वाइड जो है वो उसके हवाले से हम देखेंगे कि हम ग्लोबली मार्केट जो है वो चेक कर रहे हैं। इसके बाद डेट रेंजेस आ गई हैं, ये जो डाटा हमारे पास पास 12 मंथ्स का जो है वो शो करवाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में अगर हम काम करना चाहते हैं तो उसको चेक कर लेंगे, और वेब रिसर्च जो है वो इसको अगर करना है, न्यूज़ रिसर्च, गूगल शॉपिंग वगैरह, इसको हम जो है वो वेब रिसर्च ही रहने देंगे। अगर YouTube के ऊपर जो है वो आप काम कर रहे हैं तो इधर से YouTube सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो YouTube का भी डाटा आपको जो है वो दे देगा। तो अब देखें, जो मैंने टॉपिक जो है वो सर्च किया था तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 80-90 जो है वो डेली इसकी सर्चेज जो है वो ऑन एवरेज जो है वो हो रही हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काम करता हूँ तो डेली जितनी जो है वो मुझे ट्रैफिक जो है वो मिल सकती है। और ये सबसे ज़्यादा जो रिसर्चेज हैं वो सेंट हेलेनाक्स से हैं, फिर इंडिया से हैं, आयरलैंड, म्यांमार वगैरह से भी आपके पास जो है वो सर्चेज जो है वो हो रही हैं। और नीचे जो टॉपिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यूडेसिटी कंपनी और ये मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और रिलेटेड क्वेरीज जो लोग गूगल पर लिख के जो है वो सर्च कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो टॉपिक्स हैं जो लोग गूगल के ऊपर जो है वो सर्च कर रहे हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आप अपने आर्टिकल्स में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं एसईओ पर्पस के लिए, वो आगे जो है वो देखेंगे। अब मैं अगर चाहता हूँ इस चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास 2-3 टॉपिक्स हैं और मैं उनके ऊपर जो है वो काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2-3 जो टॉपिक्स हैं उनमें से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए जो है वो कौन सा प्रॉफिटेबल जो है वो रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजिंग जो है वो लिखती है सर्च के अंदर, और इसको जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग की नस्बत फेसबुक जो एडवर्टाइजिंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर। तो इन दोनों टॉपिक्स यानी जो भी मेरे माइंड के अंदर जो दो तीन टॉपिक्स थे कि मैं किस पे काम करूँ, तो उसकी नस्बत जो है वो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह अगर मैं कुछ और चाहता हूँ कि मैं किसी और चीज़ को जो है वो सर्च करूँ, लेट्स सपोज जो है वो SEO को अगर मैं जो है वो सर्च करना चाह रहा हूँ, कि डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर आगे सब पार्ट्स हैं, और अगर मैं स्पेसिफिक किसी एक टारगेट की बात करूँ कि SEO के कितने सर्चेज होंगे, ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग दोनों का जब आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज़्यादा सर्चेज नहीं है जितना लोग जो है वो SEO को रिसर्च कर रहे हैं। तो इधर से जो है वो मेरे माइंड के अंदर जो है वो अपना टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से मैं किस टॉपिक को जो है वो चूज़ करूँ, कौन सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल जो है वो होगा। इसी तरह अगर SEO से रेलिवेंट ये नीचे जो है वो कंट्री मैप आ रहा है कि किन किन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रिसर्च इसके बारे में की जा रही है, और ये मुख्तलिफ क्वेरीज जो है वो जो लोग जो है वो उसमें गूगल पे जो है वो लिख के सर्च कर रहे हैं वो आपके पास जो है वो आ जाती है।